आई एम सॉरी देव सर, आपने नन्नी के लिए हनीमून की प्लानिंग की लेकिन आपका सारा प्लान खराब हो गया। आई एम रियली सॉरी सर। अरे आदिश, मैं सॉरी होने की क्या बात है? अरे अगर नंदिनी को यहाँ पर रहकर खुशी मिल रही है तो मुझे क्या एतराज है? और अगर मैंने हनीमून ऑर्गेनाइज किया तो किसके लिए? नंदिनी की खुशी के लिए ना। अगर उसे खुशी यहीं पर रहकर काम करने में मिलती है तो उसकी खुशी में मैं भी खुश हूं। सिंपल। फैंटास्टिक सर, कितने अच्छे विचार हैं। आई मस्ट से रियली सर। यस सर। वो सारे टिकट्स और बुकिंग्स कैंसिल करा देना। श्योर सर? आई मीन नो सेकंड थॉट सर। ऑल राइट सर। कितना प्यार करते हैं ये मुझसे, कितनी फिक्र है इन्हें मेरी खुशी की। अगर वो मेरी खुशी के लिए अपने प्लान्स बदल सकते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। क्या हुआ गीत मैम? कुछ नहीं, वो मुझे घर जाना था और ड्राइवर आज छुट्टी लेकर घर चला गया है, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊं। मैम आप सिर्फ 5 मिनट वेट कीजिए, मैं गाड़ी बुलवा देता हूँ। एक मिनट, गाड़ी बुलाने की कोई जरूरत नहीं, वो मैं घर ही जा रहा हूँ। वो एक्चुअली सुबह सुबह मैं एक इंपॉर्टेंट फाइल घर पे बुलाया था। गीत को मैं ड्रॉप कर दूंगा। और ये परौंठे खिला खिला के उसने तेरे को भी परौंठा बना देना, फिर तू सैडी कैटेगरी च आ जाना, कट्टे फैमिली फोटो खिंचावांगे। लक्ष्मी सब ठीक है ना? एकदम ठीक, सब ठीक ही तो है। बस अगर आप अपना थोड़ा सा वजन कम कर लेना जी, मजा आ जाएगा जी। खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई परेशानी है? खाना खाने को आप जितना मर्जी खाना खाओ, लेकिन वो क्या है ना कि जितना ज्यादा मोटापा होता है ना जी, उतनी बीमारियां हो जाती हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ जी कि आप एकदम फिट रहो। अगर इतनी सी बात है लक्की जी, तो मैं आज से अपना वजन कम करने की कोशिश करूंगी और फिर आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना जी। वजन कौन सी बड़ी चीज है? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। खाओ जी और खाओ। क्या हुआ मान? जीत मैं एटीएम से पैसे निकाल के आता हूँ। ठीक है। गोलगप्पे, मुझे क्या फायदा? मान कभी नहीं मानेगा अगर मैं उन्हें कहूंगी कि मुझे सड़क के गोलगप्पे खाने। मुझे गोलगप्पे खाने?
गीत? हाँ? गोलगप्पे खाने? नहीं तो? पक्का? मतलब थोड़ा बहुत मन कर रहा है, पर कोई बात नहीं। अगर दिल कर रहा है तो दिल की बात मान लो। जाओ। सच्ची? आप नहीं चलेंगे? चलिए। भैया दो प्लेट गोलगप्पे देना। आइए। ठीक है मैडम, आप इधर आ जाइए। हाँ। आइए ना भैया। हाँ। और भैया एकदम तीखा बनाना, तो बहुत सारी चटनी डालना और आलू भी डालना। ठीक। क्या हुआ? तीखा लगा आपको? आप इनके लिए नहीं था, तीखा मत बनाइए, मेरे लिए बनाइए। जीत एक मिनट, आंसू पोछ लो। हाँ। पानी देना, ये पानी। यहाँ पे भी लगा, पूछ लो। यहाँ नहीं हो, एक गीत और खाना है? नहीं। ये लीजिए, चलें। वो मेरी वाइफ है ना जी, बस उनको थोड़ा सा पतला करना है। हाँ जी, हमको ट्रेनिंग कर पे चाहिए जी। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, मैं फिट हूँ, मैं भी उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, पर क्या जी मेरे पास टाइम नहीं ना, मेरे को ऑफिस जाना होता है। हाँ जी, वो कोई चक्कर नहीं है जी,
आप जितने बजे बोलेंगे ना मैं उनको उतने बजे उठा दूंगा। बस आप किसी भी तरह ना उनको पतला कर दीजिए। हाँ जी ठीक है। मेरे लकी टकी और मेरे लाडो पुत्र तो कितना ख्याल रखता है अपने मामे का। बुला ट्रेनर को, मैं करूंगा खूब वर्जिश और मैं हो जाऊंगा फिट। चुप बोल। ओ इतना फैट भी कभी फिट हो सकता है? मैं तेरे लिए नहीं अपने प्रीतो जी के लिए ट्रेनर बुला रहा हूँ। हाँ प्रीतो नहीं तू प्रीतो को फिट करेगा। हाँ ट्रेनर बुलाएगा। हाँ प्रीतो एक्सरसाइज करेगी। हाँ। प्रीतो को फिट होने के लिए ना सबसे पहले पीना कम करना पड़ेगा। और क्या बोल रहा तू? सॉरी एक गल तो मेरे पे लागू होती है। खाना खाना प्रीतो को खाना कम करना पड़ेगा। मम्मी खबरदार प्रीतो जी के बारे में कुछ बोला तो। पर तेरे को पता नहीं है प्रीतो जी ने ना मेरे से प्रॉमिस किया कि अपने खाने पीने पे ना कंट्रोल करेंगी। फिर देखना प्रीतो जी एकदम मेरे जैसी फिट हो जाएंगी। फिर मैं और मेरी प्रीतो जी हम दोनों मेरी बुलेट मोटरसाइकिल पे बैठ के बुलेट मोटरसाइकिल पंचर हो जानी है। सपने देखी करना। पर जिस प्रीतो को तू फ्यूचर में पतला करने का सपना देख रहा है ना और बुलेट मोटरसाइकिल पे बैठाएगा वो रसोई में परौंठे पे परौंठा ठूस रही है। परौंठे पे परौंठा, हाय परौंठा, उफ परौंठा, परौंठा। सच बोल रहा है? जाके चेक कर ले। और अगर ये बात झूठ निकली ना मैं तेरी टोपी उड़ा दूंगा। ठीक है और सच निकली तो 100 रुपया दे रही। होता ना हो बेटा। ये ऑफिस से फोन था। ठीक है मैं ऑफिस जाता हूं। आपकी फाइल? कौन सी फाइल? अरे वही फाइल जो आप ऑफिस से घर लेने आए थे। वो फाइल जो मैं घर पे भुलाया था। मैं रूम से लेकर कागजात की फाइल है। माने फाइल सिर्फ आना था। दरअसल वो मुझे घर छोड़ने आए थे, वो भी अपना काम छोड़कर। वैसे अब आपका प्लान क्या है? प्लान वो हाँ मेरा प्लान ये है कि मुझे अभी ऑफिस जाना है, उसके बाद मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके बाद मेरी एक मीटिंग भी है तो मुझे मीटिंग पे भी जाना है और बहुत सारा काम है। इसका मतलब आपके पास बहुत सारा काम है ना आज? आप जाइए वरना आप लेट हो जाएंगे। मैं जाऊं?
नहीं करा कि आपको अपने आप से दूर करूं, पर काम भी तो जरूरी है ना। तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं, कुछ नहीं। पक्का? मान चाहिए ना आप? तो तुमने जरूर कुछ कहा है ना? मैंने तो कुछ नहीं कहा, पर आपने कुछ सुना? नहीं, वो मुझे लगा जैसे तुमने कुछ कहा। मेरे ख्याल से आपको निकलना चाहिए, वरना आप मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे ना। ओ हाँ, तो मैं जाऊं? तो जाइए ना। बेचारे मान, मेरी वजह से सारा काम छोड़कर मुझे ड्रॉप करने आ गए। ये ड्राइवर नहीं था इसलिए उन्हें इतनी सारी तकलीफ उठानी पड़ी। कितना अच्छा होता ना अगर मुझे भी गाड़ी चलानी आती है ना। दादी ने बजट की दूसरी फाइल कहाँ रखते हैं? अगर आदि ने रखे हैं तो यहीं पे कहीं रखी होगी। भी नहीं है, टाइम भी बहुत हो गया। लगता बाहर कोई है। हेलो हेलो, ये दरवाजा किसने लगा दिया? हेलो, अजीब बेवकूफी है, दरवाजा लगाने से पहले एक बार अंदर देख तो ले कोई है कि नहीं।